वक्त हम है देश के सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर के वार्ड 85 में इस वक्त में मौजूद हूं और यहां पे लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते आ रही है, वो विधायक का चुनाव हो या फिर पार्षद का। हम यहां की जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। देश भर में स्वच्छता में पहचान बना चुका इंदौर वाटर प्लस के लिए भी जाना जाता है। इंदौर नगर निगम प्रशासन का दावा है कि शहर वाटर प्लस हो गया, यानी कि यहाँ का पानी नालों में नहीं जाएगा, साथ ही शहर के घरों में 24 घंटे 365 दिन पानी देने की बात नगर निगम करता है। पर सच्चाई ये है, वार्ड नंबर 85 के इस इलाके में आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से अपने सुबह घरों की दिनचर्या, अपने घर के काम छोड़कर पानी भरने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको चारों ओर नजर आएगा किस तरीके से लोग तपेला घर का छोटे से छोटा बर्तन पानी से भरना चाहते हैं। पूरी गली पूरे मोहल्ले के लोग सिर्फ पानी भरने में इसलिए लगे होते हैं कि आज पानी मिलने के अगले 3 दिन बाद में फिर इन्हें मौका मिलेगा। ये बताइए भैया, यहाँ पे नलों में 12 साल हो गए, 12 साल से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। सीपते हैं और मैं सब निकाल के खोल के बताता हूँ, शासन प्रशासन हमारे कागज फाड़ के फेंक देते हैं। रिसीप्ट है हमारे पास। यहाँ पे क्या नर्मदा की लाइन आ चुकी है? आ रही है, कनेक्शन है, 12 साल हो गए कनेक्शन लिए हुए, एक बूंद पानी नहीं आता है हमारे यहाँ पे। एक जैसी डाल दी 4 इंची लाइन, 4 इंची लाइन एक जगह डाल दी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लोगों को पानी की परेशानी है। लोग सुबह, आप यहाँ का जो इलाका है, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह काम पे जाना होता है पर पानी के लिए रुकना पड़ता है। क्या पार्षदों ने कोई काम किया अब तक? कुछ भी नहीं किया अभी यहाँ पे, कुछ भी नहीं बोला जाता। पार्षद बोलते हैं कि हम यहाँ से नहीं जीते इसलिए हम काम नहीं करेंगे आपका, और हमने सेम हेल्पलाइन पे कई कंप्लेन कर दी, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए मैंने बोर्ड भी लगा रखा पानी का, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी इन चुनाव आ गए इसके कारण में ये पानी आ रहा है, नहीं तो पानी नहीं आता है यहाँ। ये टैंकर यहाँ पे कितने दिनों में आता है? अभी ये दो चार दिन से अभी आ रहा है ऐसा, अन्यथा हर साल से नहीं आता, अभी 2-4 दिन से आ रहा है ये, क्योंकि चुनाव है इसके लिए वो पानी आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पे जब पानी नहीं आता तो आप लोग पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? कैसे करते, टैंकर डलवाते हैं, मोल नया खरीदते हैं, रोज 400 का टैंकर डलवाते हैं और रोज पानी लेने इधर उधर जाते हैं, तो लोग भगाते हैं, एक कैन पीने का उधर नीचे से लाते हैं हनुमान मंदिर पास से। मुझे ये बताइए कि जहाँ जो यहाँ पे पार्षद थे पहले ज्योति तोमर, उन्होंने क्या किया और जो वर्तमान में विधायक, इन लोगों ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, हमारे ज्योति तोमर ने हमारी कॉलोनी में 1 रुपया का काम नहीं करवाया, रोड भी बनवाया था हमारे 3-3 हजार रुपए लिए जब रोड बनवाया था उसने। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के विधायक जीतू पटवारी, उनकी विधानसभा आती है, विधायक ने क्या किया? कुछ हमारी कॉलोनी में तो कोई काम नहीं हुआ है भैया, पानी हम हमेशा 30 साल से यहाँ रह रहे, 30 साल से मोल का पानी भरवा रहे और वापर रहे हैं। तो इस इलाके में लगभग 20 साल से पानी की लाइनें डली हुई है, नर्मदा का लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, जलकर का पैसा लिया जा रहा है, पर यहाँ पे पानी नहीं लगता है। भाई क्या क्या यहाँ पे परेशानी है? आपकी परेशानी यह है कि 10 फीट का टुकड़ा नगर निगम से नहीं जोड़ा जा रहा, और पार्षद से कहा, पार्षद कहती हमें क्षेत्र से वोट नहीं मिले तो बोले हम काम नहीं करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, बोले आए पानी नहीं आए। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, इस बार जो यहाँ से चुनाव में खड़ा होगा उससे आपकी क्या उम्मीद है, वो क्या करे आपके इलाके के? हमारे इलाके के लिए 10 फुट का टुकड़ा चाहिए मेरे को, जो कि जो नर्मदा की बड़ी पाइपलाइन जा रही है आगे से, उस लाइन के अंदर जॉइंट कर दिया जाए तो पानी यहाँ भरपूर क्षेत्र में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है जिसके कारण लोग परेशान होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं पानी को लेकर? पानी के लेकर हम कम से कम यहाँ 8 साल से गूंज रहे हैं, हमने नर्मदा लाइन ले रखी है लेकिन ये 5 गली में पानी अभी तक नहीं आता है। कारण क्या है यहाँ पे पानी के? कारण यहाँ अधिकारी लोग आते हैं बोले लाइन की दिक्कत है, तो ऐसे कैसे अधिकारी और इंजीनियर उन्होंने लाइन डाली कि जिसकी दिक्कत हमको भोगना पड़ रही है। अच्छा एक चीज और बताइए, पानी की तो जो परेशानी सामने दिख रही है, यहाँ पे क्या सफाई होती है? इंदौर तो देश का सबसे साफ शहर है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो ठीक है, पानी तो मिले पीने के लिए, साफ सफाई तो बाद में जब पानी होएगा तो आदमी जिएगा ना, पीने को पानी। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि पानी को लेकर परेशानी होती है। पानी को लेकर यहाँ पे लोग जब कोशिश करते हैं अधिकारियों से, नेताओं से बात करने के लिए, तो वो उनकी मदद नहीं करते। आप बताएं क्या परेशानी है? इससे ज्यादा और आगे की कॉलोनी में 2 भरने भी खुदे हुए हैं लेकिन उनमें भी पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी पानी की बहुत संभावना है एरखेड़ी में। तो आप लोग कहाँ से पानी लेके आते हैं फिर? कया से टैंकर से भरवाते हैं, 100 रुपये रोज, 50 रुपये रोज का पानी भरवाते हैं। तो ये इलाका जो है ये मजदूर वर्ग से बहुत बिलोंग करता है, यहाँ पे अधिकांश वो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, और इन लोगों को प्रतिदिन 100 से 200 और 400 रुपये तक का टैंकर खरीदना पड़ता है और पानी लेना पड़ता है। लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि यहाँ पे नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, चुनाव के समय पानी भी दिया जाता है, पर बाकी के जो समय है यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता। ये 2013 के अंदर जो है मोगे जी ने यहाँ लाइन डलवाई और इंजीनियर ने 4 इंची लाइन सबको कनेक्ट करके जोड़ी, तो जो है जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पर पानी नहीं आता, नीचे स्थान तरफ जाता है।
तो हमने 2017 से कार्रवाइयाँ चालू करी, तो हमारी कार्रवाइयों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में भी कार्रवाई करी, उनके वहाँ से इनके डिपार्टमेंट में कागज़ आते हैं तो दो दो तीन तीन महीने तक कागज़ ही नहीं सही जगह पहुँचते, और कागज़ कहाँ जाते भगवान भरोसे काम नहीं। कलेक्टर साहब के खिलाफ शिकायत की आपने? हैं 181 पे भी कई शिकायतें करी, तो अधिकारी लोग आके क्या करते हैं, गरीब महिलाओं को, छोटी महिलाओं को, उनको दबा दूब के उनसे उनका नंबर ले लेते और नंबर कंप्लेंट काट देते, तो यही सिलसिला चालू है जा रही है। अभी अभी कुछ 4-5 कंप्लेंट इन्होंने अधिकारियों ने आकर ऐसे ही इसी तरह कटाई है कि वो भाइयों को दबाव डाला कि हम आपको रोज़ पानी देंगे टैंकर से। हकीकत क्या है, पानी रोज़ मिल रहा है? पानी रोज़ नहीं मिलता है, हकीकत यह है कि उनको बेवकूफ़ बना दिया, 2-4 रोज़ पानी दे दिया, कंप्लेंट नंबर ले लिया और काट दिया, वो उनकी कंप्लेंट काट दी। आपके जो स्थानीय विधायक हैं जो आपके यहाँ, हाँ, मालनी गौर जी को जो है विकास यात्रा की रैली निकाली जा रही थी, उस रैली को रोक के मैंने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने क्या कि अभी नई टंकी बन रही, मैंने नई टंकी मैडम नीचे बन रही उसका पानी यहाँ नहीं आ सकता, विदुर नगर की टंकी से ही पानी आ सकता है, और ये मेन लाइन वहाँ गणेश डीपी चौराहे पर है, तो मेन लाइन से इस लाइन को जोड़ो, और ये लाइन हमको स्वीकृत भी हो गई थी 181 पे कंप्लेंट कर करके, पर जो पार्षद महोदय ने इस लाइन को नीचे डलवा दी, इधर लाइन नहीं डलवाई मेन लाइन। अब आप क्या मांग करते हैं, फिर से हम तो यहाँ से आ गया है, फिर से नया पार्षद आएगा, आप यहाँ पे किसको वोट देंगे, क्या आपकी डिमांड? तो जनता तो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे, वहाँ से गाड़ी रवाना कर देंगे नीचे से, इधर नहीं आना तुमने, तुमने हमारी किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, यहाँ की सभी जनताओं का ऐसा विचार है। आप बताएं कि आपके वहाँ पानी आता है? नहीं आता। क्या परेशानी है पानी? पानी नहीं आता है, जब से ये लगी ना, ये मोदी ने ये लगाए, ये ब्लॉक जब से नल नहीं आ रहे। तो इस बार फिर से चुनाव होने वाला है, फिर से पार्षद चुनाव लड़ने आएंगे, वादा करेंगे, क्या करेंगे इस बार? क्या करेंगे, पानी आएगा तो वोट देंगे, नहीं पानी आएगा तो नहीं वोट देंगे। करमजीत, क्या समस्या आती है यहाँ पर? पानी के अलावा ये समस्या भी है कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाते, बरसात में पानी भरा रहता है, पानी भरा रहने के कारण अलग अलग बीमारियाँ बच्चों को होती है, परेशानी होती रहती है, और इसके अलावा यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करो तो कोई आता ही नहीं है, सेटेलाइट देखो तो आए दिन बंद रहती है, पूरी गली में अंधेरा पड़ा रहता है, किसी चीज़ की यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। स्ट्रीट लाइट वगैरह, हाँ आए दिन बंद ही होती रहती है स्ट्रीट लाइट भी। बारिश में भी हाँ पानी भरा रहता जगह जगह, आए दिन गली खोद खोद के रख देते हैं, पानी भरा रहता है, निकलने का रास्ता नहीं है, किसी चीज़ की कोई सुविधा ही नहीं है, रोड देखो तो जगह जगह खोद रखे, नल तो नहीं आते, वो नहीं आते। ड्रेनेज लाइन डली है लेकिन यहाँ पर कनेक्शन नहीं है किसी के, ड्रेनेज लाइन उन्होंने डाल दी पर कनेक्शन नहीं करे। पानी जाता है, कोई चैम्बर करता है, कोई रोड पे ढोलता है, ज़्यादातर तो लोग रोड पे ढोलते पानी, रोड पे ही जाता है सभी का पानी। हाँ हम लोगों ने पानी की समस्या के लिए नगर निगम में 111 जो कंप्लेंट करते जिस पे 312 की 311 जो है उस पे कंप्लेंट डाली है पर कोई नहीं आता यहाँ पर। इसके अलावा क्या समस्या? बस यही सब समस्या है, या समस्या ही समस्या भरे, ना कोई झाड़ू लगाता है, ना कुछ है, कचरे की गाड़ी आती, कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता गली में। कचरे की गाड़ी को पैसा चार्ज लेते हैं? हाँ महीने का 62 रुपये चार्ज लगता है। सुविधा मिल रही है आपको यहाँ? हाँ कचरे की गाड़ी की सुविधा है, बाकी झाड़ू वगैरह लगाने की कोई सुविधा नहीं है। तो पानी भरे भरे पिए नहीं मिलते पानी, तबीयत खराब हवे, अब पानी पिए मिलते नहीं। कहाँ से पानी लाते हो? कौन द्वारिकापुरी से, कौन पूर्णा माता से, बहुत दूर दूर पानी भर के लाओ तो पीने मिलता, अभी छोरा भेजा पानी भरने के लिए, और तबीयत खराब चल रही, पानी पिए नहीं मिल रहा। अब छुट्टी मानना पड़ता भैया पानी के लिए, पानी ही नहीं है। और क्या दिक्कत आती है? दिक्कत पानी की ज्यादा दिक्कत यहाँ है। बारिश में क्या स्थिति है? बारिश तो भैया द्वार पानी उतर नहीं, बारिश में यहाँ पानी ही नहीं आवाती, और गली में पानी भरा जाए तो निखरे पानी लाभ मुश्किल हो जाती है, कैसे पानी भर के लाओ, कैसे पियो, क्या करो। अरे पानी हैंडपम्प लगा है तो पूरा पानी हमें दरवाजे भरा रहता, हम बच्चे तबियत हमारे बच्चे खराब है 24 घंटा। भैया ये वार्ड 85 है, पार्षद ज्योति तोमर है, तो यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा समस्या, पीने का पानी तो मिलते हैं, नर्मदा लाइन डली हुई पर नल आते नहीं,
उधर बाहर से भर के लाना पड़ता द्वारकापुरी अन्नपूर्णा टंकी जो बनी वहाँ से। और यहाँ जो मेन रोड आगे का है वो तो बहुत ही ख़राब है, और बारिश में तो मान लो निकलना मुश्किल हो जाता पूरा, यानी पाँव तक अपने डूब जाए, कमर तक पानी रहता, इतना इतना पानी रहता है कि गाड़ी निकालने में दिक्कत, अपन आने जाने में बहुत दिक्कत। करीब करीब 7-8 साल से पैसा भर रहे हैं हम तो, टैंकर भी आते पानी के नहीं आते, प्राइवेट टैंकर प्राइवेट वाला बुलवाते हैं। कितने पैसे लेते हैं वो? 30 रुपये टंकी, जैसे 200 लीटर का ड्रम है उसके 30 रुपये, और अगर टंकी टैंकर डलवाओ 400 रुपये। प्राइवेट डलवाते और पीने का भर के बाहर से लेके आते हैं। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। हाँ, 2-4 बार पार्षद से करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पार्षद तो कभी यहाँ देखने भी नहीं है। ड्रेनेज वगैरह की भी है यहाँ पर, पानी के जाने की निकासी नहीं है ना, बरसात में आके देखना स्विमिंग पूल बन जाता। और क्या समस्या, पानी कहाँ से लाते हो? पीने का पानी हम लोग लाते इधर द्वारकापुरी है, अन्नपूर्णा है, इधर से लेके आते पीने का पानी। नली नहीं आते यहाँ पे तो बिल्कुल। कितने टाइम से ले रहे हो आपने? 10-15 साल हो गए हम लोग। नर्मदा की लाइन आई है? हाँ, लाइन तो रली हुई है, पानी नहीं आता। पैसे से भरे आपने? भरे ना पैसे, पर पानी आए तो ना पार्षद को बोलने जाते, पार्षद सुनता ही नहीं है यहाँ का। ज्योति तोमर। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड 85 से कांग्रेस की ओर से दावेदारी करने वाले रविकांत मिश्रा जी। रविकांत जी, ये बताइए कि आप यहाँ से दावेदारी तो कर रहे हैं, पर इस वार्ड में अभी तक आपको ऐसी कौन सी समस्याएं नज़र आ रही हैं जिसका अभी तक निदान नहीं हुआ, और आपके पास में इस वार्ड के लिए भविष्य की क्या प्लानिंग है? ये वार्ड समस्याओं का अंबार खड़ा है यहाँ पर। इस ये पूरा क्षेत्र हवा बगला फूटी कोटी क्षेत्र हरियाली युक्त ना होते हुए भी इनको ग्रीन बेल्ट में डाल रखा है। ग्रीन बेल्ट में डालने की वजह से यहाँ पे जल समस्या है। जल समस्या होने का कारण एकमात्र ये कारण है कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा यहाँ पर ड्रेनेज की जो पानी जल की जो पाइपलाइन नल की जो पाइपलाइन डाली गई है वो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को डाल दी गई है, जिससे यहाँ पर जल का पानी का प्रेशर नहीं बन पाता है और लोग एक एक डब्बे पानी के लिए भटकते रहते हैं। दूसरी समस्या यहाँ पर है ड्रेनेज की समस्या। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व होने की वजह से यहाँ पे बड़ी पाइपलाइन ड्रेनेज के लिए बड़ी पानी की पाइपलाइन डालना चाहिए निकासी के लिए, लेकिन यहाँ पे छोटी पाइपलाइन डाल दी जाती है जो ओवरफ्लो हो जाती है और सड़कों पर कई महीनों तक बहती रहती है। यहाँ पर जल समस्या, जल भराव की समस्या है। बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इस मात्रा में, इस संख्या में इकट्ठा होता है पानी कि आप यहाँ पे नाव चला सकते हो। यहाँ गुंडागर्दी, अवैध गतिविधियाँ, इतनी बड़ी समस्याएँ हैं, नशा व्यापार, यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के लिए घटिया निर्माण करके पैसे को ठिकाने लगाने का काम जो कर रहे हैं वही सबसे बड़ी समस्या है। जी, ये बताइए कि जब यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं तो पिछले 20 साल से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती, आपकी पार्टी का प्रत्याशी तो जीत ही नहीं पाता। पिछले चुनाव की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी से भी कम वोट मिले थे। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। ये क्षेत्र लगातार भाजपा विधायक होने की वजह से और भाजपा का एक दबाव वाला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ थोड़े से लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी रहती है जो दबाव प्रेशर में आ जाती है। इसके कारण यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर करके ये चुनाव जीत लेती है और कहीं ना कहीं अपना अपने स्थापित रहती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो चूंकि गरीब और मध्यम वर्ग से आती है तो वो किसी न किसी दबाव में आके इस तरह का वोट करती है, इसके चलते आप लोग यहाँ पे जीत नहीं पाते। खैर, इस बात को छोड़िए, यदि आप चुनाव जीतते हैं इस बार, आपको पार्टी यदि वो आपको टिकट देती है और चुनाव जीतते हैं, तो आपके पास में क्या योजना है इस इलाके के लिए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पे बैंकों द्वारा सस्ता लोन नहीं मिलता, क्योंकि ये कॉलोनी अवैध है। अवैध होने के बाद ये ग्रीन बेल्ट में है। जब यह क्षेत्र यहाँ पर हरियाली युक्त है नहीं, जब यहाँ पर ये कॉलोनी घनी बस्ती आबादी बसी हुई है, तो इस पूरे क्षेत्र को, हवा बंगला फूटी कोटी पूरे क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट से मुक्त करवाना है। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और इसको, इन सब कॉलोनियों को वैध कराना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। इसके बाद सुचारू रूप से यहाँ पे पानी की पाइपलाइन, जैसे नर्मदा का तृतीय चरण आया है, 24 घंटे पानी देने की बात होती आ रही है, तो हम इस क्षेत्र में भी जल आपूर्ति के लिए काम करेंगे। ड्रेनेज के जो पाइपलाइन जो नवनिर्माण होंगे, जो नया निर्माण शुरू होगा, उसमें हम लोग बड़े बड़े ड्रेनेज के पाइपलाइन डालेंगे, जिससे यहाँ पर
अच्छे से फ्लो से पानी की निकासी हो सके। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण करवाएंगे। पुलिस चौकी यहाँ पर गश्त करे, रात को गश्त करे। ड्रेनेज की समस्या, बरसात की पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे बरसात जब होती है तो यहाँ पे नाव चलने जैसी स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पे वाटर स्टाम्प डैम लाइन की अति आवश्यकता है। वो हम सबसे पहले इन प्रमुख कामों में जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है पानी की, सड़क की, और घटिया निर्माण जो ठेकेदारों द्वारा जो घटिया निर्माण किया जाता है उस पर हम रोकथाम करेंगे, और उनको एक अच्छा निर्माण इस क्षेत्र को अयोध्या बस्ती में डाल रखा है, मलिन बस्ती में डाल रखा है। मतलब और वार्डों की अपेक्षा इन वार्डों में ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा फंड यहाँ पे विकास के लिए मिलता है। ज़्यादा विकास मिलने के बावजूद भी यहाँ पर वो उस क्वालिटी का निर्माण नहीं हो पाता है। ठेकेदार मनमानी करते हैं, ठेकेदार अपने और अधिकारी मिलकर, नेता मिलकर लापरवाही पूर्वक यहाँ पे केवल देखा जाए सीधे तौर पे 20 साल से आदमी यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे, आपको यहाँ की जनता कितने वोट देगी? ये चुनाव का विषय नहीं है। मैं यहाँ पे लगातार कई वर्षों से, कई सालों से, कई दशकों से इसी क्षेत्र में पला बढ़ा हूँ। यहीं पे मैंने स्कूली शिक्षा ली है, यहीं मैंने खेला कूदा हुआ हूँ, तो एक परिवार की तरह मेरा घर है। यहाँ की समस्याओं को लड़ने के लिए क्या होता है कि अपनी बात को प्रबल करने के लिए, अपनी बात को साउंडफुल करने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। यदि इस जनता ने आशीर्वाद, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और कहीं हमें अगर उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, तो यहाँ की जो समस्या की, यहाँ की जनता की जो पीड़ा है, जो दर्द है, कई दशकों से झेल रहे हैं, उसके निराकरण के लिए मैं पूरा अपना 100% देकर सारे काम कराने का प्रयास करूँगा। तो ये थे रविकांत जी, जिनका कहना है कि चुनाव लड़ना उनका विषय नहीं है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, जिसके प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद में इस इलाके की जनता के लिए वो काम करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 85 के राम मंदिर में। ये प्रजापत नगर का राम मंदिर है और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे साथ में इस वक्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष भी मौजूद है। दुबे जी, ये बताइए कि इस वार्ड में आपकी पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार जीत रही है, यहाँ पे ऐसे कौन से काम है जो आपकी पार्टी ने अभी तक किए हैं? हमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मूल रूप से सड़क, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं अभी तक की हैं, और ड्रेनेज की जो समस्या थी उसका भी हल किया। एक बड़ी लाइन अभी हाल डाली है पीछे, उससे जो पानी भरने की जो समस्या थी उसका भी निदान हो गया है। यहाँ ऐसा क्या है कि लगातार 20 साल से आपकी पार्टी जीतती है, यहाँ पे आप किसी दूसरी पार्टी को नहीं आने देते, ऐसा क्या आपकी पार्टी ने यहाँ पे काम किया है कि 20 साल तक लगातार लोग बीजेपी को ही जिताते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या है, नीचे तक कार्यकर्ता है हमारे पास, और छोटे से छोटे जो लाभार्थी रहते हैं उनको हम योजनाओं को, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है सब मिलके एकजुट होकर काम करते हैं। मतलब आपका संगठन यहाँ पे बहुत मजबूत है, जिसके चलते आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, पर यहाँ पे लोगों को, अब जब वार्ड के अलग अलग इलाकों में हम गए तो लोगों ने अपनी कई परेशानियाँ बताई, आपके हिसाब से यहाँ कोई परेशानी नहीं है? तो आने वाले समय में जब आपके प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा तो क्या बड़ा काम है जो इस इलाके के लिए करेगा? मुख्य रूप से बड़े काम में अभी जैसे पानी की थोड़ी बहुत जो समस्या है, बाकी तो सब काम बढ़िया चल रहे हैं, वो करना है, और एक दो बगीचे जो बचे हैं उनको व्यवस्थित करना है। आप बताइए कि पिछले लगातार कई सालों से भाजपा यहाँ पे जीतती आई है, क्या आप अपने पूर्व पार्षदों के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आपको क्या लगता है इस वार्ड में ऐसे क्या काम है जो और होना बाकी है, या ऐसे कौन से काम है जो भाजपा ने बेहतर किए हैं? भाजपा ने जहाँ कीचड़ से निकाल के हम लोगों को ऊपर लाया गया है, बहुत ही यहाँ पे नीचे स्तर से गंदगी थी, आज बहुत व्यवस्थित रोड बने हुए हैं, ड्रेनेज लाइन डली हुई है, स्टाम्प वाटर लाइन डली हुई है, बहुत सारी सुविधाएं दी, नर्मदा लाइन डली हुई है। मतलब एक अवैध बस्ती होने के बावजूद भी हम लोगों को मूल रूप की सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और हम संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे सारी जो मूल सुविधाएं, एक आदमी के लिए जो पानी होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, जो एक पार्षद की जिम्मेदारी है, पूरी हुई यहाँ पे बीते सालों में? बहुत कुछ, काफ़ी कुछ पूरी हुई है, और आगे भी प्रयास कर रहे हैं सभी लोग पूरा करने का, हमें उम्मीद है पूरा होगी, क्योंकि अभी तक भाई क्या लगता है आपको, इस बार फिर से चुनाव होगा तो इस चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी साहब, बीजेपी। क्या कारण है? कारण ये है कि विकास हुआ है वार्ड का, इसलिए। आज से पिछले कुछ सालों पहले की बात करें तो क्या हालत थी इस वार्ड की और अभी क्या हालत है? काफ़ी परिवर्तन है। क्या परिवर्तन? काफ़ी में परिवर्तन ये है कि साफ सफाई है, विद्युत व्यवस्था है, ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, काफ़ी व्यवस्थाएं बन गई हैं। आप युवा हैं, आपको इस वार्ड में जो आने वाला पार्षद है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? यही उम्मीदें हैं जो क्षेत्र में धार्मिक स्थलों का काम हो,
जो मंदिरों में आसपास जो काम हुए हैं, ये मैदान जो है पिछले कई वर्षों से उजड़ा पड़ा हुआ, जिसको आज बसाया है, लाइट की ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी भराता था, आज से कई वर्ष पहले यहाँ पे कीचड़ ही रहता था, आज जो रोड का निर्माण है ये विचारें विकास हो, हर युवा के लिए कार की व्यवस्था हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग हैं जो काफ़ी हद तक इस बात को लेकर तो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए काफ़ी यहाँ पर काम किया और आने वाले समय में भी भाजपा उनके लिए काम करेगी। वार्ड 85 की दो तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक वो इलाका जहां लोग पानी के लिए परेशान हैं, सड़कों के लिए परेशान हैं और बारिश में होने वाले जल जमाव के लिए परेशान हैं। तो दूसरा हिस्सा वो है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जहां इंदौर में बनने वाले उद्यानों में से सबसे बेहतर एक उद्यान यहां पे मौजूद है। कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं जो यहां पे कई सालों से रह रहे हैं, बीसों सालों से रह रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है यहाँ पे हमेशा भाजपा जीतती है और क्या कारण है यहाँ पे ये जो बदलाव आया है उसके पीछे कौन है। भैया ये बताइए, यहाँ पे वाजपेयी जी इतने सालों में लोगों का कहना है, आप पीछे की बस्तियों में जाएं तो उनका कहना है हमें पानी नहीं मिलता, हमें सड़क यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिलती, पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा क्यों जीतती है? विषय सर ये है इसमें कि यहाँ 25 साल पहले क्षेत्र बसा था, विगत 25 वर्षों से यहाँ भाजपा के 5 पार्षद रहे हैं, शांता झवर जी, शंकर यादव जी, लोकेंद्र सिंह राठौर जी, लक्ष्मी हेमंत जी और वर्तमान में ज्योति तोमर जी। सभी पार्षदों ने निगम के कम बजट में अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ काम करा और अच्छे से अच्छा काम करा। इस पूरे क्षेत्र में एक भी रोड नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, नर्मदा नहीं थी, लगभग सारा काम कंप्लीट है, नर्मदा का मेंटेनेंस चल रहा है। इस छोटे से वार्ड के लिए 3 टंकियां, जिसमें से 1 टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है आकाश नगर का, जिसमें ऋषि पैलेस की जल की समस्या सब समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो आने वाला समय है उसमें आपका जो नया पार्षद यहाँ पे आके चुना जाएगा उसके लिए बड़ी समस्या क्या होगी, बड़ी चुनौती क्या होगी? बड़ी चुनौती यहाँ कुछ भी नहीं है, जनता लगभग साथ में है। वो जो बस्ती क्षेत्र के कुछ असंतुष्ट लोग हैं जिनके तक योजनाएं नहीं गई हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, पर वो जो आकाश नगर की टंकी बन रही है तो पानी की समस्या भी हल होगी। वार्ड की ये स्थिति है कि अब रोडों का काम कंप्लीट हो गया, ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो गया, ब्लॉक का काम चल रहा है, मतलब दोनों पट्टियों में ब्लॉक लगाने का काम शेष रह गया, वो भी लगभग 40% पूरे 85 नंबर का पूरा हो चुका है। जोशी जी ये बताइए कि वर्षों से आप इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, यहाँ के आप बहुत पुराने रहवासी हैं, यहाँ पे क्या बदलाव आपको दिखा है पिछले इतने सालों में? बदलाव तो शने शने पूरा हुआ और आज आप देख ही रहे हैं कितना प्रगति करके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बस जो आप जो कह रहे थे वो समस्या है, तो उसके सामने चुनौती जी होगी नए पार्षद के लिए, वो है कि इसको वैधानिक रूप दिलवा दे कॉलोनी को। बाकी सभी चीज़ें कंप्लीट है और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए वो उन्होंने समस्या समझी, लोगों से जुड़े और उसको पूरी करी। ये बताया कि ये जो इलाका है, इस इलाके में अधिकांश कॉलोनियाँ ग्रीन बेल्ट में आती हैं और अवैध कॉलोनियों में आती हैं, उसके चलते यहाँ के विकास में बड़ी परेशानी होती है, क्या ये कारण रहा है कि यहाँ पे जनता जो है आज भी परेशानियों से दो चार हो रही है? नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनता के प्रति सचेत होकर सारे काम कराए और एक तरह से ये माना जाए कि ये अयोध्या की सबसे श्रेष्ठ कॉलोनी है, इस क्षेत्र की अयोध्या की सबसे श्रेष्ठ कॉलोनी होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मालिनी भाभी दे रही है। इतना बड़ा बगीचा पूरे क्षेत्र में नहीं है और उसके बाद अलावा जो पानी की समस्या है उसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दे के नगर निगम से बजट दिलवाया, 3-3 टंकियाँ हो गई, आज पानी की 90% समस्याएँ हल है। केवल कुछ 2-3 बस्तियाँ हैं जो ऊपर नीचे चढ़ाव में है, तो उनके बराबर लेबलिंग से जब पानी मिलेगा तो समस्या हल हो जाएगी, वो भी 6-1 महीने लगेंगे उसमें। पिछले 2 साल से प्रयत्नशील है उस काम में और उस क्षेत्र में करीब करीब 12 इंची की लाइन 90% डल चुकी है, केवल उनका इंटरकनेक्शन बराबर हो जाए उस काम चल रहा है। इसलिए वो कोई असंतुष्ट वर्ग नहीं है, केवल एक टेम्परेरी 3 महीने ऐसा रहता है कि पानी बराबर नहीं मिलता है। और जो ऋषि पैलेस वाले हैं वो 90% तो सब टैंकर वाले हैं, खुद ही पानी सप्लाई करते हैं यहाँ से, तो इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होती, केवल एक बोलने चालने की भाषा में बोलते हैं कि साहब पानी की समस्या। मुझे ये बताइए कि इस पूरे इलाके में एक इतना बेहतर उद्यान तो मिल गया है, पर यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है कि ये जो तालाब है, इस तालाब में आसपास की कॉलोनी का जो गंदा पानी आता है, ड्रेनेज का पानी आता है, वो इसको दूषित करता है और कहीं ना कहीं ये शहर का एक वाटर का बहुत बड़ा रिचार्जिंग का सोर्स भी है। उसके लिए क्या किया है आपकी पार्टी के लोगों ने?
हमारी पार्टी के लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट पास हुआ है यहाँ पर जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो पानी जो फिल्टर होकर तालाब में जाएगा और आगे भी समय समय पर सारे जनप्रतिनिधि इसमें लगे रहे और आगे भी ये काम होता रहेगा। थोड़ी सी वो है, मुझे ये बताइए कि आपको और ऐसी क्या चीज़ें यहाँ पे उम्मीद है कि जो अगला पार्षद जो भी आता है वो आपकी पार्टी से हो किसी और दल से हो, इस वार्ड की बेहतरी के लिए उसको और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जितनी भी अवैध कॉलोनी है उसको वैधीकरण के लिए प्रक्रिया करना चाहिए। ये कॉलोनियाँ पूरी वैध हो जाए तो उससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। कॉलोनियाँ जो अवैध हैं इनको वैध करने के लिए अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं की गई? क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जाए तो इस शहर में हर बार बारतूत ये अकेला इलाका ये नहीं, इंदौर का बाणगंगा हो या मूसाखेड़ी का एरिया, इंदौर में 3000 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनको अवैध की कैटेगरी में रखा गया है। क्या कारण, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं कर पाए अभी तक? नहीं, ये प्रोसेस में है, गवर्नमेंट भी मुख्यमंत्री भी इसको विधानसभा में पास किया उन्होंने, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है ना उस पर आपत्ति लगा देता हो तो आपत्ति के कारण वो काम रुक जाता है, तो अभी तक के ये वेद हो जाती। मुझे ये बताइए कि एक ज़माना था आपके इस इलाके को बदमाशी के लिए और नशाखोरी के लिए जाना जाता था। यहाँ पे आए दिन हम अखबारों में जब देखते थे तो किसी ना किसी अपराध के कारण इस इलाके का नाम आता था, अब स्थितियाँ क्या हैं? सर पहले तो बहुत ज़्यादा गंभीरता थी यहाँ पर, इतना मतलब ज़्यादा कि निकलने में लेडीज तो ठीक है, जेंट्सों को निकलने में भी तकलीफ होती थी। रात बिरात आते थे, लूट भी होती थी, मारपीट भी होती थी, छोटे छोटे पैसे भी छीन लिया करते थे इन लोगों से। लेकिन आज की स्थिति यह है सर कि रात में अगर 12 बजे व्यक्ति है या कोई लेडीज भी बाहर लेटी रहेगी ना तो उसको भी कोई प्रकार की किसी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था और सारी चीज़ें सुविधाएं इतनी दी गई हैं ना कि जितनी गंदियाँ यहाँ की जो गंदापन था वो सारा यहाँ से निकाल हटा दिया गया है सर। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कैसी व्यवस्थाएँ और क्या होना चाहिए स्वास्थ्य में बेहतरी? स्वास्थ्य के लिए वैसे तो बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पर आसपास भी कुछ अच्छे अस्पताल खुले हैं और जिला अस्पताल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है पास में ही है। स्वास्थ्य के लिए ऐसी कोई खासा व्यवस्था यहाँ पर चाहिए नहीं, और उसके अलावा जो गंदगी क्षेत्र में थी उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो सिरपुर तालाब के आसपास का हिसाब बता रहे हैं तो वो भी अब स्वस्थ हो चुका, तो आगे से ऐसी कोई समस्या स्वास्थ्य के लिए। तो ये है वार्ड 85 के वो लोग जो इस बात को लेकर बहुत बहुत संतुष्ट हैं कि पिछले 25 सालों में यहाँ पे जो भी पार्षद रहा वो भारतीय जनता पार्टी से ही रहा है, पर उसने इलाके के लिए बेहतरी के लिए काम किया और इलाके को एक पिछड़े इलाके से, एक जो निचली बस्तियों का इलाका था उससे उठाकर बाहर लाया है। हालांकि ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कुछ काम होना और भी बाकी है। कैमरा पर्सन गौतम सरदार के साथ महेश मिश्रा, NH24 7 इंदौर।